कोई यहाँ जो 10 करोड़ से ज्यादा देकर मुझे खड़ा के हाँ आप 10 करोड़ 10 करोड़ एक चलिए बोली लगाइए बोलिए 10 करोड़ 2 हाँ 10 करोड़ 2 10 करोड़। ये क्या कर रही हैं आप? क्यों अपने आप को इतना गिरा रही हैं? आपको कोई एतराज ना हो तो मैं आपसे शादी करने को तैयार हूं। दे सकते हो तो मैंने इतने पैसे? पैसे तो नहीं, लेकिन प्यार दे सकता हूं, सम्मान दे सकता हूं। वाह निरुद्ध वाह, जा बेटी चली जा इसके साथ, चली जा, ऐसा आदमी कहां मिलेगा तुम्हें इस युग में, चली जा इसके साथ बेटी चली जा। नहीं बाबा, मैं अनिरुद्ध के लायक नहीं हूं, मैं बहुत बुरी हूं। अनिरुद्ध तुम इस बाजार में क्या कर रहे हो, चले जाओ यहां से, चले जाओ। मनीष अंगूठी पहनाओ, पहनाओ। 15 करोड़। पांच करोड़ कैश और 10 का चेक। 15 करोड़ देखा, रंजन साहब ने मेरी कीमत 15 करोड़ लगाई है, इसे कहते असली दिलवाला। भाई वाह, इनसे बड़ा दिलवाला कोई है इस महफिल में? हाँ कोई है? करोड़ 1 करोड़ 2 कमाल, 15 करोड़ संभाल के मालिक, 15 करोड़ की चीज हूं, कहीं टूट फूट ना जाऊं। मालिक, मां के बाद पहली बार किसी औरत ने इस घर में कदम रखा है, आज से घर तुम्हारा है, इस घर की मालकिन हो तुम। अपना घर जो कहेंगे करूंगी मालिक। मालिक, अगर मैं मालिक तो आप मालकिन? आपने मुझे खरीदा है मालिक, वहां से निकालने के लिए, और अंधा सी बात नहीं दोहराना, देर हो चुकी है। तुम सोचो कल हम 22 साल शादी करेंगे, फिर पति पत्नी की तरह रहेंगे। गुड नाइट। पैसे तो नहीं, लेकिन प्यार दे सकता हूं, सम्मान दे सकता हूं। गुड मॉर्निंग।
सुनीता, सुनीता अनिरुद्ध कहाँ है? वो तो दौलतपुर गया। दौलतपुर? वहां क्या है? वहां उसकी प्रॉपर्टी है, अब वो वहीं रहेगा। वैसे भी उसे यहां अच्छा नहीं लगता। सुनीता कहाँ है? ये तो अब तुम्हें पता होना चाहिए कि वो कहां है, क्या कर रही है। नहीं, वो यहां क्यों आएगी? वो तो तुम्हारी चीज है, तुम संभालो। अगर इसमें तुम्हारी कोई चाल है तो अच्छा नहीं होगा। अपनी कमजोरी मुझ पर क्यों थोपते हो रंजन? सुनीता कोई गाय नहीं है जो आसानी से खूंटे से बन जाए। सुनीता यहां आई थी? हाँ आई थी, अनिरुद्ध के बारे में पूछने। अनिरुद्ध कहाँ है? वो तो दौलतपुर चला गया। अनिरुद्ध, मुबारक हो अनिरुद्ध, अब ये सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी हो गई। अगर कोई जरूरत पड़े तो मुझे याद कर लेना। इस प्रॉपर्टी का मैं क्या करूं? जो मन चाहे वो करो। अच्छा, इसे संभाल के रखना। हाँ। ओके, मैं चलता हूं। ऑल द बेस्ट। साहब, कोई मेम साहब आपसे मिलने आई हैं। कौन मिलने आया? दोस्त, मुझे क्यों मारना चाहते हो? दोस्त, मुझे मारो, लेकिन पहले बताओ मुझे क्यों मारना चाहते हो? दोस्त, सुन, रंजन, रंजन, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मुझे क्यों मारना चाहते हो? क्या हुआ इन्हें? वैसे तो सब ठीक लग रहा है, शायद इन्हें कोई शॉक लगा है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, एक दो दिन में नॉर्मल हो जाएंगे। बस इन्हें आराम की सख्त जरूरत है। लो। नमस्ते। अब कैसा लग रहा है? रंजन मुझे मारना क्यों चाहता है? वो तुम्हें मारना नहीं चाहता है, शायद मजाक कर रहा होगा। ओ, मजाक नहीं, मैंने पूछा उसे, उसने बताया नहीं। तुम्हें बताया? सो जाओ, डॉक्टर ने कहा है आराम करने के लिए। वो तो मेरा दोस्त है, उसने ऐसा क्यों किया? रंजन तो मेरा अपना है, रंजन तो मेरा अपना है। उसको क्या चाहिए मुझसे? वो क्यों मारना चाहता है?